आपके बीच में रखती हूँ। कुछ युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां पर उपस्थित हैं। आप सबका उत्साह मंच तक पहुंच रहा है, लेकिन शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, युवा वर्ग को रेखांकित करती हूँ, और आगे से पीछे तक जितने लोग भी उपस्थित हैं, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी प्रतिक्रिया मंच तक आएगी तो यह कार्यक्रम बहुत अच्छा चल सकता है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। हाँ कविता जी। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। भाई वाह 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 कविता जी, बहुत अच्छे, बहुत आभार। कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ, एक आंदोलन की कविता आपके बीच में पढ़कर अपना स्थान लेना चाहती हूँ। ये मात्र शक्ति यहाँ पर उपस्थित है, उनके वर्ग की बात, ये कुछ लोग खड़े हुए हैं, शायद थोड़ी सी पीड़ा जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उन्हें हो रही है। यदि व्यवस्था बन सकती है तो आप सबका अपना कार्यक्रम में व्यवस्था बना लीजिएगा, उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, एक आंदोलन की कविता इस धरती पर विशेष रूप से पढ़कर जाना चाहती हूँ, और पहली चार पंक्तियों में यदि इस मिट्टी की महक आ जाए तो आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, मात्र शक्ति का आशीर्वाद चाहती हूँ। एक आंदोलन की कविता आपके बीच में रखती हूँ, स्वागत है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। वाह वाह। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। मार्मिक। घर में बटा के हाथ, बहुत सी टिप्पणियां हो सकती हैं बेटियों के निमित्त, बहुत से रूप बहुत सी छवि बताई जा सकती है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ मैं कैसी बेटियों की बात कर रही हूँ। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां, कटुवा के बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो उदंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति गोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रति गोख में क्यों मरती है बेटियां। और इस मेरे आंदोलन को आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये कविता आप सबसे कुछ कह के जाना चाहती है, ये कविता आप तक कुछ प्रश्न पहुंचाना चाहती है। यदि उन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे पाए तो मैं अपनी विजय समझूंगी। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ वो प्रश्न जिनके उत्तर आप मुझे देने का प्रयास कीजिएगा। स्वागतम, बहुत अच्छा। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, बहुत से चुटकुले महिलाओं पर बने हैं, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, उनकी वकालत करना चाहती हूँ और आपसे समर्थन चाहती हूँ, सुने। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशुदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री ना होती सत्यवान
सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। भाई वाह।